और अब इसके लिए मतलब अंदर एंट्री कर रहे हैं। टिकट वही वाला लगेगा जो वहाँ लगा के आए हैं। यहाँ पे सिलेंडर भी जमा करिए दोनों पर। फिलहाल अभी इस समय आ गए हैं छोटे माम बड़ा के अंदर और वो लोग 70 रुपये और मांग रहे थे यहाँ गाइड के, तो हम लोगों ने मना कर दिया है। वहाँ टिकट बनवाया था जो कि 4-5 जगह वैलिड था और यहाँ अलग से 70 रुपये मांग रहे थे। तो आप लोग अगर कभी यहाँ आते हैं तो ऐसा मत करिएगा, इनको पैसे मत दीजिएगा बिल्कुल भी। और ये देखिए यहाँ पे पानी भरा है, कितना खूबसूरत लग रहा है ये छोटा इमामबाड़ा। और ये सामने का व्यू देखिए, इसमें काफ़ी ब्यूटीफुल सा आ रहा है। मैं इसके पास जा रहा हूँ अभी। तो भाई इस समय है हम लोग छोटे इमाम बाड़ा के अंदर। मैं आप लोगों को इस छोटे इमाम बाड़ा के अंदर लेके आया हूँ और यहाँ पहली बार आया हूँ, उससे पहले कभी नहीं आया हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरे माध्यम से, मैं अभी आपको इसके अंदर ले चलता हूँ और वहाँ सब कुछ दिखाता हूँ। यहाँ पे ये जो पानी भरा है ऊपर तक, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। देखिए आप, इसके पास आ गए हम। प्लीज़ टेक ऑफ शूज़ हेयर। जूते यहाँ निकाल लें तो अभी चप्पल यहाँ पर उतार दी हैं। और ये कुछ अलग तरीके का 5 का सिक्का मिला है जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो फिलहाल अभी आ गए हैं छोटे इमाम बड़ा के पास और ये देखिए क्या कलाकारी की गई इस दीवार में। उर्दू में लिखा गया है, पता नहीं क्या है, लेकिन ये इतना खूबसूरत लग रहा है दूर से देखने में, जिसे बयान नहीं किया जा सकता। और यहाँ के लिए भी गाइड के लिए बोल रहा था तो मैंने मना कर दिया है। ये सामने का व्यू देखिए आप छोटे इमाम बड़ा के अंदर से, वो घंटाघर दिख रहा है छोटा सा। और भाई ये भी काफ़ी खूबसूरत है, छोटा है लेकिन ये भी खूबसूरत है। ये देखिए फिलहाल ये है कुछ पीछे का इस तरीके का नज़ारा। और यहाँ पे पैर चल रहे हैं धूप में, क्योंकि पैर नंगे पैर हैं हम लोग। और काफ़ी लोग बैठे हैं यहाँ पे, तो अभी छाँव में आ जाते हैं। तो अभी आप पीछे का डिज़ाइन देख सकते हैं कितने दिमाग लगा के क्या बनाया गया है, कैसे मतलब क्या कलाकारी की गई इसमें। सब कुछ उर्दू में लिखा हुआ है यहाँ पर, फिलहाल उर्दू में पता नहीं क्या लिखा है। ठीक, काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर आके। तो फिलहाल अभी भी हम लोग यहीं पर बैठे हैं और ये पीछे का व्यू देख सकते हैं आप, कितना प्यारा आ रहा है। पानी देख सकते हैं आप पीछे का, ये छोटे इमाम बाड़ा में है, बड़े इमाम बाड़े में पानी नहीं है यहाँ पे फिलहाल। और ये काफ़ी अच्छा व्यू लग रहा है यहाँ पे, मैं इसे छूऊंगा नहीं। तो अभी मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ ये वाला सीन। देखिए आप, है कितना प्यारा व्यू। मतलब पता ही नहीं था कि मतलब इतना खूबसूरत है छोटा इमाम बाड़ा, और क्या ही बताएं अब इसके बारे में। तो फिलहाल ये बादल देख सकते हैं आप, कितने काले काले से अभी हो गए हैं, बारिश का मौसम क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। और फिलहाल अब काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं तो अब घर निकलने के लिए सोच रहे हैं, अभी घर के लिए निकल रहे हैं फिलहाल। तो काफ़ी टाइम लग जाएगा घर पहुँचने में भी। तो फाइनली अभी समय हो गया है घर निकलने का, एक जगह और जाना था सर गैलरी में, लेकिन वहाँ आप नहीं जा रहे हैं। तो फिलहाल अभी मौसम ख़राब हो रहा है यहाँ पे और घर के लिए निकल रहे हैं, क्योंकि काफ़ी समय भी हो गया है। आप देख सकते हैं काले काले बादल यहाँ पे आ चुके हैं। और ये देखिए आप, इस तरीके के बादल देखिए यहाँ पे, कितने काले काले हैं पीछे। और हल्की धूप आ रही है फिलहाल, अब काफ़ी घूम लिया है आज और अब फिलहाल भूख तो लग रही है। अब घर के लिए निकलते हैं, तो चलते हैं ऑटो करते हैं। ऑटो पता नहीं कहाँ के लिए कहाँ मिलेगा, अगर भी बहुत भटकना है, क्योंकि ऑटो कंफर्म नहीं है कहाँ से कहाँ ले जाएगा, क्योंकि सीधा ऑटो मिलता नहीं घर के लिए ना, यहाँ से काफ़ी दूर है घर से अभी। तो फिलहाल निकल रहे हैं यहाँ से, एग्जिट पॉइंट आ गए हैं यहाँ पे, ऑटो पकड़ते हैं। तो फिलहाल अभी आ गए हैं बाहर और हवा काफ़ी तेज़ चलने लगी है, मतलब काफ़ी तेज़ी देख सकते हैं आप, कितनी तेज़ हवा चल रही है यहाँ पर। और काफ़ी धूल उड़ रही है उधर एरिया में, देखिए ये देखिए कितनी धूल उड़ रही है। अब मिलता है ऑटो, पता नहीं कहाँ के लिए मिलेगा, देखते। तो अभी भाई ये जूस बनवा रहे हैं और यहाँ पे बारिश काफ़ी तेज़ होने लगी है, देख पा रहे होंगे यहाँ पे। पर अभी जूस पियेंगे, जब बारिश बंद होगी तब निकलते हैं यहाँ से। नीचे अनार नहीं मिक्स करते। अनार नहीं मिक्स करते।
फिलहाल अभी बारिश कुछ हल्की हो गई है और अब बैठते हैं ऑटो के लिए। तो अभी जूस वाले ने बताया था कि यहाँ से चौक जाइए और चौक से मिल जाएगी चारबाग के लिए, तो फिर चारबाग से दिल्ली बैग जाना है। तो अभी चौक के लिए बैठ गए हैं और ये रिक्शा में भाई साहब लेके जा रहे हैं हमको। फिलहाल अभी आ गए हैं चौक में, ये रिक्शा से उधर के अब विक्रम में बैठने वाले हैं, ये चारबाग ले जाएगा हमको। ये अभी हम लोग हैं सिटी स्टेशन के पास में और आप देख सकते हैं कि ये ट्रेन जा रही है सिटी स्टेशन के पास, और अभी चौक से निकल के हम लोग चारबाग के लिए जा रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल चारबाग में उतर चुके हैं और यहाँ से अब ऑटो लेना है तेलीबाग के लिए। तो अभी आधा घंटा या 45 मिनट तक और लग जाएगा घर पहुँचने में। पैर बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं, इतना ज़्यादा दर्द हो रहे हैं, थक गए हैं बहुत ज़्यादा। अब घर जाके थोड़ा कुछ खाते पीते हैं, फिर आराम करते हैं और शाम तक वीडियो एडिट करके अपलोड पर लगा देते हैं। तो फिलहाल अभी तेलीबाग के लिए मिल गया ऑटो और इस पर बैठ गए हैं और अभी इसको घर के यहाँ से चल देंगे। तो फिलहाल आराम से उतना जल्दी घर पहुँच जाएंगे क्योंकि ये ऑटो है, विक्रम नहीं है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे वहीं। फिलहाल अभी घर के पास ये रिक्शा से उतर गए हैं और आज काफ़ी थक गए हैं, काफ़ी ट्रेवल कर लिया, काफ़ी घूम लिया सब कुछ। और यहाँ पे देखिए घास काटी गई है, रोड पे पड़ी है पता नहीं क्यों। तो भाइयों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलते हैं बहुत जल्द अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय।